पर एक प्लेयर है भाई, उसने 100 बनाया, जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी। हाँ। जैसे विराट 100 बनाते हैं उनकी वहां बात होती है ना, रोहित की बात होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट का पर्सपेक्टिव कभी मत खोइए। आज बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है बाबर आजम ने, थोड़ी सी जलन की बदबू आ रही है यहाँ इंडिया तक। कराची के मीडिया माफिया जो है चैन की नींद से सो नहीं पाने वाले है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जस्ट क्रिकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले चौथे ओडीआई मैच में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम ने ओडीआई 3 की 18वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने सेंचुरी कंप्लीट करने के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब बाबर आजम दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज तरीन 5000 रन ओडीआई कंप्लीट करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बाबर आजम से पहले ये रिकॉर्ड हाशिम अमला के पास था, जिन्होंने ओडीआई 3 के 5000 रन 101 इनिंग्स में कंप्लीट किए थे, लेकिन बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड 97 इनिंग्स में कंप्लीट करके तोड़ दिया। इंडियन मीडिया ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए, हर कोई बाबर आजम की तारीफें करने पर लगा हुआ है। इंडियन मीडिया बाबर आजम की सेंचुरी और इस रिकॉर्ड के बारे में क्या कहता है, खुद इंडियन मीडिया की जबान नहीं सुने। मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फ़ैन, तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। What is your obsession with Babar? Stop praising Babar because of Vikrant likeness of Babar. You put too much pressure on India. You and Manoj better support India, not Pakistan. क्या नाम है इनका? मनोज। इनका भी नाम मनोज है? नहीं, sorry, Mukul. I'm so sorry. Mukul, मेरे भाई। हम हिंदुस्तानी हैं, तो आप हिंदुस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे। पर एक प्लेयर है भाई, उसने 100 बनाया। जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी। हाँ। जैसे विराट 100 बनाते हैं उनकी वहां बात होती है ना, रोहित की बात होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट का पर्सपेक्टिव कभी मत खोइए, ये आपसे भी गुजारिश। और बाबर का भी वो चीज है ना जो आजकल स्ट्राइक रेट सीखने को मिले। मैंने मैच देखा नहीं है, मैंने स्कोर देखा है, बॉलिंग अटैक क्या है, पिच क्या है, मुझे नहीं मालूम। ये एक चीज है, मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्राइक रेट वाली डिबेट है उसका हिस्सा बाबर आजम भी है। आपको बेटर करना होगा। आई थिंक ये बिल्कुल सेंचुरी उनकी, आई थिंक जो उनका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका भी जो सेंचुरी आई थी उसमें भी अगर बोलर्स, आप देखो कल यही बात चली थी, कल आई थिंक पाकिस्तान से ही किसी ने जो उनके एक्स क्रिकेटर जो आप कह सकते वही बोले कि यार हमारे पास तो वो है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है इसमें तो बोलर्स ही नहीं है। अब उन्होंने ये बात रखी। कैसे हैं हमीजा मुख्तार के भाइयों, आपके जीजा जी ने आज बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है बाबर आजम ने, थोड़ी सी जलन की बदबू आ रही है यहां कर लिया, और आज जो है सबसे तेज 5000 वनडे रन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर इंडिया से आ रही है, कोहली के सारे दीवाने जो है बाबर आजम को ट्रोल करने लगे कि बाबर आजम जो है छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जो उन्होंने रन्स बना के ये 5000 रन का मुकाम हासिल किया है, ये अंगूर खट्टे हैं वाला जैसा हाल हो गया है कि अगर आपके अब्बू ने ये फास्टेस्ट रन का रिकॉर्ड नहीं बना पाया था तो आगे कोई भी बल्लेबाज बनाएगा ना, तो उससे तो आपको जलन होगी ही होगी। और कोहली सेंस में टॉक्सिसिटी लेवल, ओ भाई साहब गजब।